और भ्रष्टाचार के मामले में ममता सरकार के मंत्री पार्थ चैटर्जी मुश्किल में फंस गए हैं। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरह से घटनाक्रम अभी तक हुआ है। अब ईडी ने उनके जरिए इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश शुरू कर दी है। उनके करीबियों पर छापे पड़ रहे हैं। इस घोटाले और में और कितने चेहरे शामिल हैं इसका पता लगाया जा रहा है। बीजेपी का दावा है कि बरामद 20 करोड़ रकम तो कुछ भी नहीं है, अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। यानी साफ है कि बीजेपी ने टीएमसी को निशाने पर ले लिया है। ममता बनर्जी पर हमले शुरू कर दिए हैं। यह कार्रवाई अभी आगे बढ़ेगी, ईडी ने साफ तौर पर संकेत दे दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अब तक जिस तरह से इस मामले में चीजें सामने आई हैं। और गिरफ्तार पार्थ चैटर्जी के करीबी अर्पिता के घर मिली विदेशी करेंसी। अर्पिता के घर मिली 54 लाख की विदेशी करेंसी। अर्पिता के घर से विदेशी करेंसी की गिनती भी जारी है और अर्पिता के घर पर नोटों की यह गिनती चल रही है। 54 लाख की यह करेंसी है, विदेशी करेंसी है और इस करेंसी की गिनती भी चल रही है। तो एक के बाद एक बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। ईडी की कार्रवाई में बड़ा अपडेट, बड़ी खबर यह है कि विदेशी करेंसी भी अभी तक की इस कार्रवाई में हासिल हुआ है ईडी को, जिसकी गिनती चल रही है। और यह करेंसी अर्पिता के पास से मिला, अर्पिता के घर पे ही इसकी गिनती चल रही है। और जिस घोटाले को लेकर बंगाल से दिल्ली तक सियासी बवाल मचा हुआ है, उससे जुड़े 10 बड़े खुलासे हम आपको बताएंगे, 10 बड़े फैक्ट्स बताएंगे जो अब तक सामने आए हैं। ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चैटर्जी गिरफ्तार हुए हैं। हिरासत में पार्थ के करीबी अर्पिता मुखर्जी भी हैं। तीसरी बड़ी जानकारी, अर्पिता के घर से 20 करोड़ बरामद किया गया है। और चौथी बड़ी बात, 54 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा भी मिली है, जिसकी गिनती अभी चल रही है और पिता के घर पे ही चल रही है। सरकारी लिफाफे में करेंसी मिली है, ये और चौंकाने वाली बात है, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। गोल्ड और प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। सातवां बड़ा फैक्ट, अर्पिता के घर से 20 मोबाइल बरामद। आठवां फैक्ट, रडार पर दूसरे करीबी मोनालिसा दास भी हैं। और एसएससी घोटाले से जुड़े मोनालिसा के तार, ये भी तथ्य सामने आ रहा है। आखिरी फैक्ट, दसवां फैक्ट, पैसे देकर नौकरी लेने वालों की एक पूरी की पूरी लिस्ट भी मिली है।